नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम चौहान और आप लोग देख रहे हैं सत्यम ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पल्सर बजाज 125 की रिव्यू करने वाले हैं जो कि आप लोगों के सामने दिख रही है। तो दोस्तों, मैं इन सभी का बात सिर्फ 5 पार्ट में करूंगा, दोनों बाइकों की बात सिर्फ 5 पार्टों में ख़त्म कर दूंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को मैं ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ेगी, इस समय क्या पड़ रही है, सब आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बस बने रहिएगा हमारे साथ और हर एक जानकारी आप पाते रहिएगा। तो बस आप स्किप मत करिएगा, थोड़ी वीडियो स्किप करिएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट कर देंगे सिंगल सीट के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ दोनों में वन ही डिफरेंट मिलेगी, सिर्फ एक अलग बात है, वो है इंजन काउल। इसमें इंजन काउल आप लोगों को देखने को नहीं मिल जाता है। तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग चलते हैं ब्रेक और स्टीयरिंग पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट और रियर में, फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम फिनिशिंग डिज़ाइन के साथ आता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 125 की बैजिंग विथ स्टीकर के साथ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और पीछे आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को हैंडल बार में आप लोगों को इंजन कील स्विच और स्टार्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स हैं, हाइलोजन देखने को मिल जाते हैं। और इसके जो आप लोग देख सकते हैं कि LED हेडलैम्प तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फुल हाइलोजन देखने को मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं कि हो सकता है कि अगले वाले ईयर में हम लोगों को अपडेटिंग मिल सकता है LED हेडलैम्प। तो वैसे तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइलोजन उपयोग किया जा रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मडगार्ड और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाइक आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी देखने में मिलती है। और यहाँ पर है पल्सर की शाइनिंग और बिल्कुल हम लोग शोरूम में ही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टिकरिंग रेड स्टिकरिंग की हुई है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे आप लोगों को डबल सीट देखने को मिल जाती है दूसरी वाली बाइक में। यहाँ पे देख सकते हैं डबल सीट के साथ आती है, लेकिन कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। बस इंजन काउल आप लोगों को देखने को मिल जाता है, वहाँ पर नीचे इंजन काउल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। दोस्तों, अब दूसरे पार्ट में की बात करते हैं इंजन और ट्रांसमिशन। तो दोस्तों, यहाँ पे 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 11.8 PS, 8500 RPM पे आप देखने को टॉर्क मिल जाता है। गियर्स की बात की जाए तो 5 गियर बॉक्स के साथ आती है। माइलेज की बात की जाए तो 51 से लेकर के 55 किलोमीटर तो आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है। 1 लीटर में आप लोगों को 55 किलोमीटर और 51 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। तो टायर और पहिए की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट में टायर का आकार 817 के टायर देखने को मिल जाते हैं। और वही पीछे के टायर्स की बात की जाए तो 1097 के टायर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पे पहिए की बात की जाए तो फ्रंट में आप लोगों को 8017 के टायर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं आप लोगों को रियर के पहिए की बात की जाए तो 1017 के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक ट्यूबलेस टायर इसमें उपयोग किया गया है। और इसमें विशेषताएं की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक और सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिल जाता है, डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पास इंडिकेटर स्विच भी मिल जाता है और पासिंग स्विच भी मिल जाता है, गाड़ी सुविधा भी मिल जाती है, हर एक इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टेन लैंप जो है वो LED के साथ आती है, जो काफ़ी अच्छी देखने को मानी जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छी दी हुई है, इसमें कोई और बुराई ऐसी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ की दोस्तों, आप लोगों का जो है कि बजट कितना है इसका और ऑन रोड प्राइस कितनी आएगी, तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि इसका टोटल ऑन रोड प्राइस अगर आप लोग पूरा हर एक सिस्टम ले कर बात करते हैं, हर एक फीचर्स ले कर बात करते हैं, जो भी हो, तो आप लोगों का 1,13,000 रुपीज़ पूरा ऑल टू ऑल ओवरऑल पूरा बाइक आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, तो बस इतना ही प्राइस है, हो सके कि आप लोगों में कुछ और हो आप लोगों की ओर, तो आप लोग उधर पता कर सकते हैं। मेरे वो तो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मऊ ज़िले में, तो मेरे यहाँ के प्राइस 1,13,000 है, तो मैं यहाँ के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग जाके अपने शोरूम से कंटेक्ट करके आप लोग डीलरशिप से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टर लाइट और यहाँ पे
कुछ ग्राफिक्स डिजाइनिंग है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और नई वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, और इसी पे सबसे बड़ी बात यह कि दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पे भी हम लोग अपलोड जरूर करेंगे। तो हम लोग साथ बने रहिए कि जितनी भी सस्ती बाइकें हैं, जो भी प्राइजें हैं, हर एक चीज़ आप लोगों को हम लोग दिखाते रहेंगे, और आप लोग पूछते रहिएगा बस, हम लोग हर एक वीडियो उस पर लाते रहेंगे। और जितनी भी बाइकें हैं सब अच्छी अच्छी बाइकें हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम प्राइस में आने वाली हैं, और काफ़ी स्मार्ट बाइक और उसमें अधिक से अधिक फीचर्स आने वाले हैं। तो उसकी अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और बस।